जहाँ तक बात है लड़कों और लड़कियों की इक्वालिटी की, हमने पूरे समाज में ये देखने को मिला है कि लड़कियों को लड़कों से हमेशा नीचा स्थान ही मिलता है। आज मैं आपको एक ऐसी लड़की से मिलाना चाहती हूँ जिन्होंने खुद का नहीं, अपने मम्मी पापा का नहीं, पूरे समाज का नाम रोशन किया है और ये बिल्कुल जतलाया है कि लड़कियाँ किसी भी लड़के से कम नहीं होती। आइए जानते हैं इसके पीछे का कारण क्या है। मैम आपका नाम? हीना सर। मैम आप कहाँ से बिलोंग करते हो? रामपुरा फूल, जिला बठिंडा, स्टेट पंजाब। जैसे कि हर लड़की का सपना होता है कि उनका जो पार्टनर हो, उनका बेटर हाफ हो, वो बिल्कुल परफेक्ट हो, उनमें बिल्कुल किसी भी तरह की कोई कमी ना हो, पर ये एक साहसी लड़की है, इनको अगर वुमेन ऑफ करेज कहा जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। इनका इसका क्या कारण है ये भी आपको अपने मुंह से बताएंगे। जैसे कि आप कह रहे हो भी हर लड़की के लिए हस्बैंड परफेक्ट होना चाहिए, पर ये भी एक बात होती है भी एक अच्छा इंसान भी होना चाहिए। हर लड़की को ये नहीं होना चाहिए भी हमारा हस्बैंड परफेक्ट हो पर वो इंसान अच्छा ना हो, बैड हैबिट्स हो, उससे हम कभी भी शादी करेंगे कभी भी कुछ नहीं रहेंगे। अगर कोई थोड़ी बहुत डिसेबिलिटी होगी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये हमें हमारे गुरुजी ने सिखाया, उन्होंने हमें नाम दिया मर्दानी भक्त विरंगना इंसान। जैसे आपने अभी जिक्र किया डिसेबिलिटी का, तो क्या डिसेबिलिटी, मतलब आपके हस्बैंड डिसेबल हैं? हाँ जी, हमारे मेरे हस्बैंड को पोलियो है, तो हमारे गुरुजी ने ये मुहिम चलाई कि आप ऐसी लड़कियां आगे आए जो अपनी मर्जी से, ना कि कोई पाबंदी, ना कोई उनसे कोई जबरदस्ती कोई भी नहीं की गई है, और उनकी मर्जी से ही फॉर्म भरें ताकि उनका वो भी जो है लड़कों को भी ऐसे हो भी हाँ हमारे लिए शादी के लिए परफेक्ट लड़की है। क्योंकि आजकल होता है भी लड़कियां जो है जिसमें लड़के में डिसेबिलिटी है उससे लड़की भी डिसेबिलिटी की ही शादी करी जाएगी, कोई परफेक्ट लड़की हाँ नहीं करेगी। पर हमारे गुरुजी ने हमें बताया भी कोई भी लड़का ऐसा नहीं होता है, अगर कोई डिसेबिलिटी भी अभी किसी में है पर वो अच्छा इंसान है तो आपको हमेशा खुश रखेगा, वैसे नहीं अभी आपको दुखी रखेगा या दुखी। हर अगर इंसान में डिसेबिलिटी नहीं भी है फिर भी कई लड़कियां ऐसी होती हैं जिनके डाइवोर्स होते हैं वो खुश नहीं होती हैं, पर मैं अपनी जगह पर मैं मानती हूँ कि मेरे गुरुजी की प्रेरणा से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, हैप्पी हूँ अपने परिवार में। मैम एक मेरे जहन में एक क्वेश्चन था, जैसे आपने अभी बताया कि आपके जो हस्बैंड हैं वो फिजिकल डिसेबल हैं, तो अगर मैं कंपेरिजन की बात करूँ, अगर आपकी शादी इनसे ना होकर एक परफेक्ट जो फिजिकली परफेक्ट लड़के होते अगर उनसे होती, तो आपकी जो लाइफ है उनमें क्या कंपैरिजन होता, आप क्या कंपैरिजन करती, क्या आप उस लाइफ में खुश होती या आप इस लाइफ में खुश हैं? मैं एक्चुअली बताऊं तो मैंने इस बारे में कभी देखा नहीं, पर हम हाँ ऐसे नॉन में जैसे अपने देखते हैं भी हमारे आस पड़ोस में भी लड़कियां हैं जिनकी मैरिज हुई है, पर देखा जाता है वो मुझे बोलते हैं तेरी लाइफ सबसे परफेक्ट है, मानते हैं भी वो डिस्टेबल है पर तू हैप्पी है अपनी लाइफ में, हम देख रहे हैं हम भी चाहते हैं भी हमारे में इतनी भी वो हमें परफेक्ट नहीं मिलते, हमें इतना नहीं होता भी तुझे पढ़ा भी रही हैं, तुझे आगे पढ़ाई भी कर रही है, तू आगे जॉब के लिए भी अप्लाई कर रही है, हालांकि तुम अब घर पे अकेली है, तू घर पे काम भी सारा तेरे मम्मी देख रहे हैं, सास में तेरा हेल्प करते हैं, अगर तुम्हें पढ़ना हो तब भी सारी हेल्प होती है, कोई रोक टोक नहीं है हमें इस बात की। तो मतलब आपकी पूरी फैमिली जो इन लॉ फैमिली है वो आपको पूरा सपोर्ट करती है? पूरा सपोर्टिव। मैम ये जो जैसे हमने आपको वुमेन ऑफ करेज का नाम दिया है, मतलब ये बिल्कुल छोटी बात नहीं है कि ये बहुत बड़ी बात है, आप एक एग्जांपल सेट कर रहे हो समाज के लिए कि जो लड़कियां हैं वो मतलब लड़कियां हैं अगेन इस मुहिम में अगर शामिल हो रही हैं तो ये कोई छोटी बात तो नहीं है, तो इसकी प्रेरणा आपको किसने दी? जैसे आपने अपने आपने शायद गुरुजी का नाम लिया, तो वो कौन गुरु हैं जिनकी इंस्पिरेशन से आपने इतना बड़ा कदम उठाया? ये हमारे गुरु हैं संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा सिरसा से, तो उनकी ही इंस्पिरेशन है हमें, उन्होंने ही बताया, हमेशा ही वो बताते हैं भी हम इंसान को कभी भी उनकी उनकी पर्सनैलिटी मत देखो, उनके गुण देखो अवगुण मत देखो, उनको देखो भी वो कितने अच्छे हैं कितना उनका है, ये चीज़ें नोट करो, ये मत देखो भी उसमें ये है ये छोटा है ये बड़ा है, इससे कंपेरिजन कभी मत करो, हमेशा उनके गुणों को ही देखो। ब्रेव हार्ट डिवोट वॉरियर्स जो कि संत जी द्वारा चलाई गई मुहिम के बारे में पता चला है हमें, आइए जानते हैं उस मुहिम के बारे में। मैम क्या है ये मुहिम, क्या इनिशिएटिव जो आपने बताया गुरुजी ने चलाया है, मतलब इसके बारे में कुछ बताइए। ये मुहिम
संत डॉक्टर गुरमीत राम नेम सिंह जी साहब जो हमारे गुरुजी हैं, उन्होंने 2013 में मरदानी भक्त वीरांगनाएं गाजी के नाम से चलाई थी। तो इसमें वो लड़कियां आगे आती हैं जो कि अंगहीन अपाहिज और विधवा जिनको विदूर कहते हैं, विदूर हस्बैंड लड़के होते हैं उनसे शादियाँ करती हैं। ये लड़कियाँ कोई ऐसे नहीं है अंगहीन अपाहिज की होती है, गर्ल्स होती है पंचायत में, इन लड़कों से ही इन लड़कों की शादी होती है। बहुत एक मिसाल वाली बात है ये, और हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।